हेलो गाइस, वेलकम। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। अरे कहना क्या चाहते हो? और लाया हूं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जिसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसा बंदा जो कि खुद को कहता है द मोस्ट सेक्सी बॉय, जिसका नाम है मखदूम जुनैद। तो आइए आप और मैं मिलकर नजर डालते हैं मखदूम जुनैद पर। मेरे को जानता नहीं है। ऐसी क्या खास बात है मुझ में जो कोई मुझे खूबसूरत कहे? सर से पांव तक तो आप खूबसूरत हैं। आपके बाल खास नहीं है, है? आपकी आंखें? मेरी आंखें? ए जरा इधर आ। बताता चलूं कि मखदूम जुनैद एक ऐसे बंदे हैं जिनको बचपन से लेकर आज तक कोई भी बीमारी नहीं हुई, ना ही कोई भी वायरस हुआ, बिकॉज वो इस चीज का खुद पक्का सबूत है। ओ माय गॉड, दिस इज सो अनकंफर्टेबल। ओ गॉड, मुझे ये मास्क पहनना ही नहीं चाहिए बिकॉज आई एम एंटी वायरस, मुझे कोरोना वायरस हो ही नहीं सकता। और वैसे भी ये मास्क अगर मैं अपने खूबसूरत से फेस पे लगा के ऐसे घूमूंगा तो लोग मेरी खूबसूरती का फायदा कैसे उठाएंगे? सो फ्रॉम टुडे नो मास्क। आपको बताता चलूं कि मखदूम जुनैद अचानक से ही बहुत सा अमीर होने लगे, उनके पास बहुत सा पैसा आने लगा और लोगों को ये बात बर्दाश्त ना हुई और किसी बंदे की मखदूम जुनैद को नज़र लग गई। और उसके बाद मखदूम जुनैद को कब्ज हो गई जो कि आज तक नहीं टूटी। और मखदूम जुनैद अपनी वीडियो में खुद बताते हैं कि उनको कब्ज हुई। कब्ज गाइस भारत ताल होगी केले नहीं मिलने, मैं कब्ज हुई। दसो मैं कितना कब्ज तोड़ा अपनी टट्टी, बहुत सख्त आई हुई है मेनू। मखदूम जुनैद ने इस कब्ज को तोड़ने के लिए बहुत ही एफर्ट्स किए, बहुत डॉक्टर्स से कांटेक्ट किए, बहुत हकीमों से कांटेक्ट किए और उन्हें बताया कि मखदूम जुनैद को बहुत ज्यादा दर्द होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। मखदूम जुनैद की इस बीमारी का इलाज कहीं नहीं मिला, किसी भी डॉक्टर या हकीम के पास इस चीज का कोई इलाज नहीं था कि उनकी कब्ज को तोड़ा जा सके। तो इसलिए मखदूम जुनैद बहुत ही मायूस हो गए, उन्होंने वीडियोस और पिक्चर्स बनाना छोड़ दिए इंस्टाग्राम पर और वो अभी अपनी कब्ज से बहुत ही परेशान है। तो अगर आप चाहते हैं कि मखदूम जुनैद दोबारा से इंस्टाग्राम पर आ जाए तो प्लीज उसकी इस बीमारी का हल बताइए, कमेंट में बताइए कि मखदूम जुनैद की कब्ज को कैसे तोड़ा जाए। और आपको बताता चलूं कि जुनैद मखदूम को लेट कर पिक्चर्स निकालने में बड़ा ही मजा आता है क्योंकि वो लेट कर पिक्चर निकालते वक्त अपनी पैंट को जरा सा नीचे करके अपने अंडरवेयर दिखाते हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि वो कौन सी कंपनी का अंडरवेयर पहनते हैं। वो बहुत ही एक फेमस ब्रांड पूमा का अंडरवेयर पहनते हैं और पूमा ब्रांड से उनको इतना प्यार क्यों है वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो देखते नहीं कि नीचे क्या है, नीचे घास हो या हो पानी, वो सिर्फ लेटेंगे और अपनी पिक्चर निकालेंगे। और उसके बाद ही मैं आपको एक बात और हेलो कौन? जुनैद मखदूम, मुझसे क्या काम है? देखिए बंटी भाई, मैं सिर्फ आपको एक ऑफर दे रहा हूँ जो अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो हम दोनों मिलकर मालामाल हो सकते हैं। कैसी ऑफर? देखिए आपको मेरे साथ वीडियोस बनानी पड़ेंगी जिसमें आप अपनी पैंट उतार के अपना अंडरवेयर शो कराएंगे और पूमा कंपनी वाले हमें बहुत ही ज़्यादा पैसा देंगे। बदले अब पादरी। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए YOLO।